हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने वाली हूँ एक सब्सक्राइबर की डिमांड पे पनीर बटर मसाला। उन्होंने कमेंट में बोला था कि पनीर बटर मसाला किसी दिन बना के दिखाइए, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने 3 प्याज लिए हैं, ये लिए है 2 साबुत लाल मिर्च, ये कुछ बटर लिया है मैंने, और ये छोटे टुकड़े लिए हैं 2 अदरक के, और ये लिया है लहसुन। नेक्स्ट लिए मैंने ये हरी मिर्च, और 6 टमाटर हमने लिए हैं। अगर प्याज 2 ले रहे हैं तो 4 टमाटर लेने हैं। तो ये हमने लिया है कुछ 3 चम्मच के करीब दही लिया है मैंने। इसमें मैं ऐड करूँगी मसाले, तो ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है। थोड़ा सा हमें हल्दी रखनी है, और थोड़ा सा ये धनिया पाउडर। नेक्स्ट इसमें ऐड करूँगी मैं ये लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा ऐड किया है। तो अगर आपको करी येल्लो चाहिए तो आप हल्दी ज़्यादा ऐड करिएगा, और अगर लालपन में चाहिए करी तो कश्मीरी लाल मिर्च ज़्यादा ऐड करिएगा। तो यहाँ पे 1 क्यूब मैंने ऐड किया है ये बटर का, और इसको अच्छे से मिक्स करके आपको एक साइड में रख देना है, ये हम बाद में डालेंगे। पहले मैं तैयारी कर लेती हूँ प्याज काटने की। तो प्याज आपको छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, या तो इस तरह से काट लीजिए। बड़े टुकड़े कर रहे हैं तो आपको टाइम लगेगा पकाने में, तो इस तरह से पतले पतले टुकड़े काट लीजिए। ये देखिए, इस तरह से चॉप कर लेना है। तो अब मैं काटूंगी टमाटर। तो टमाटर के भी हमें छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, बड़े टुकड़े होंगे तो वो जल्दी गलेंगे नहीं, टाइम लगेंगे गलने में, क्योंकि करी में हम दही भी डालेंगे तो खट्टी चीज़ से पकने में चीज़ें टाइम लेती हैं। तो इस तरह से ये टमाटर काट लिया है मैंने। खड़े मसालों में मैंने ये लिया है 2 तेज पत्ते, और ये है कुछ लौंग। नेक्स्ट मैं लूँगी हरी इलायची, 3 से 4 लेनी है। एक तरफ ऐड कर दिया है मैंने ये पैन। पैन में मैं 3 से 4 चम्मच देसी घी ऐड करूँगी। तो 3 चम्मच के करीब मैं देसी घी ऐड कर रही हूँ। अब इसमें मैं डालूँगी वो खड़े मसाले। तो ये तेज पत्ता ऐड कर दिया है, ये लौंग और हरी इलायची। तो अब मैं ऐड कर दूँगी ये अदरक के टुकड़े, टुकड़े करके रख लिए थे मैंने, और अब एक एक करके सारी चीज़ें ऐड करेंगे। तो ये डाल दिया है मैंने लहसुन। नेक्स्ट मैं ऐड करूँगी हरी मिर्च और साबुत लाल मिर्च। तो इसको हल्के से स्टर करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज। प्याज को आपको लो फ्लेम पे ही पकाना है, क्योंकि ये जल जाएगा तो सब्ज़ी का टेस्ट और कलर ख़राब हो जाएगा। सिर्फ इसी तरह से ऐसे स्टर करके ट्रांसलूसेंट करना है आपको प्याज को, गोल्डन ब्राउन भी नहीं करना है, सिर्फ ट्रांसलूसेंट करना है, हल्का सा ट्रांसपेरेंट सा हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से, ये बस इतना सा पकाना है आपको। और अब हमें ऐड कर देना है ये दही जो हमने मसाले के साथ मिला के रखा था। तो ये 3-4 चम्मच जितना भी था ये सारा ऐड कर देना है, और इसको अच्छे से चला लेना है और फ्राई कर लेना है जब तक कि ऑयल सेपरेट ना कर दे। और अब मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं काजू, 8 से 10 काजू ऐड करने हैं। और नेक्स्ट ये ऐड कर दिया है मैंने टमाटर। तो टमाटर ऐड करने के बाद आपको ऐड करना है नमक, और अब इसको मिक्स कर लीजिए अच्छे से। तो इस तरह से स्टर करने के बाद आपको इसको ढक देना है लिड से, ताकि टमाटर गल जाए, और 5 से 6 मिनट के बाद आपको लिड हटा देनी है। ये देखिए इस तरह से हटा दीजिए। और अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी थोड़ा सा पानी। पानी आपको ग्रेवी के अकॉर्डिंग रखना है, कि कितनी पतली ग्रेवी चाहिए आपको या कितनी थिक चाहिए। तो अब मैं पानी ऐड कर दूंगी। और दोबारा ढक दिया है इसको, और टमाटर को अच्छे से गलने देना है। सब चीज़ गल जाएगी अच्छे से, फिर हमें इसकी बनानी है पेस्ट। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हमें इसका पेस्ट बना लेना है।
तो पेस्ट मैंने बना लिया था और छान के रख लिया था ताकि जो उसमें पार्टिकल्स होंगे बाकी मसाले के वो अलग हो जाएंगे। तो यहाँ मैंने पैन चढ़ा लिया है, पैन में देसी घी डाला है और अब मैं ऐड कर रही हूँ बटर। तो देसी घी इसलिए डाला है क्योंकि बटर जल्दी जल जाता है, तो किसी ऑयल के साथ मिक्स करके डालेंगे तो जल्दी नहीं जलता। और ये मैंने ऐड कर दिया कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब मैं ऐड करूँगी इसमें ये कसूरी मेथी और अब हमें ऐड करना है पेस्ट। तो पेस्ट को मैंने छान लिया था, तो छानने से जो ग्रेवी होती है वो बहुत स्मूथ बनती है तो इसलिए छाना था। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये पनीर के क्यूब्स, आप चाहें तो और बड़े टुकड़े रख सकते हैं पनीर के। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, चाहें तो ढक के भी रख सकते हैं 1 से 2 मिनट के लिए। अब मैं ऐड कर रही हूँ ये कसूरी मेथी और थोड़ी सी क्रीम, फ्रेश क्रीम ली है। तो सब्ज़ी बनके तैयार है, इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है तो ये बनके बिल्कुल रेडी है। तो मैं अब इसको खाने के लिए परोस लूँगी। और मैंने अपने लिए बनाई थी प्लेन रोटी, आप चाहें तो नान बना सकते हो, लच्छा पराठा बना सकते हो, सबके साथ टेस्ट लगती है। तो घर पे ज़रूर बना के ट्राई करिए क्योंकि बहुत ही सिंपल है और बहुत टेस्टी बनती है घर की भी पनीर बटर मसाला। तो ज़रूर ट्राई करिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसी लगी। बाय बाय, टेक केयर।